हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली बहुत ही टेस्टी यम्मी पकोड़ा, जो ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और जो बहुत ही जल्दी बनेगा। तो आइए देखते हैं ऐसे टेस्टी यम्मी पकौड़ा के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। रेसिपी में उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करी हूँ जो ईजिली हमारे घर में अवेलेबल हो। मैंने 3 आलुओं को उबाल के खींच लिया है। उसके बाद ये चपाती है जो हम लोग रेगुलर खाते हैं गेहूँ के आटे के। 1 कटोरी बेसन है, कूटी लाल मिर्च 1/2 स्पून है, चावल का आटा 2 स्पून है, 1 पिंच बेकिंग सोडा, नमक, जीरा और थोड़ा सा चाट मसाला 1/2 स्पून। उसके बाद तेल तलने के लिए। अब आलू सब्जी बनाने के लिए 1 प्याज बारीक कटा, 2 हरी मिर्च, करिया पत्ती, धनिया पत्ती, मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा, सरसों, 1 पिंच या 1/2 स्पून गर्म मसाला और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। सबसे पहले मैं कढ़ाई रख के इसमें अराउंड 1 स्पून ऑयल डाली हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, जैसे ऑयल गर्म हुआ, जीरा और सरसों। जीरा सरसों जैसे ही थोड़ा सा तड़कने लग गया, उसमें मैंने डाल दिया है करिया पत्ती। करिया पत्ती डाल के अब मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। प्याज डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, तब तक जब तक कि प्याज थोड़ा सा भुन ना जाए। प्याज जैसे ही भुन जाएगा, अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने 2 बारीक काट की इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खिसा हुआ अदरक। 1/2 इंच का टुकड़ा था अदरक का, उसको मैंने खींच लिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है हल्दी और मिर्च पाउडर। डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं अब इसमें डालूँगी आलू, जिसको मैंने उबाल के खींच लिया है। आप चाहो तो इसे मैश भी कर सकते हो। आलू की सब्ज़ी हम जैसे रेगुलर बनाते हैं सूखी सब्ज़ी, वैसे बनाने। अगर आपके पास पहले से बनी हुई सब्ज़ी है और बनी हुई चपातियाँ है, तो ये रेसिपी आपका 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। अब मैंने इसमें डाला है नमक। नमक डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी धनिया पत्ती। डाल के मैं इसे मिक्स करूँगी। बस हमारी आलू की सब्ज़ी बन के रेडी है। मैं इसे निकाल के साइड में रख दूँगी। अब हम करेंगे इसके आगे का प्रोसीजर। अब मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन। 1 कटोरी बेसन लेके अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 स्पून चावल का आटा। चावल का आटा डालने से पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। अब मैंने डाला है 1/2 स्पून चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स 1/2 स्पून है, उसके बाद नमक और 1/2 स्पून हल्दी, उसके बाद अजवाइन। इसको मैं क्रश करके डाल रही हूँ। अजवाइन डालना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम ऑयली फूड खाते हैं तो गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है या पेट गड़बड़ हो सकता है। अजवाइन डालने से वो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैंने इसमें डाला है पानी। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसका बैटर हमें ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना ही ज़्यादा पतला रखना है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर बैटर थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है। अब मैं 2 स्पून और पानी डाली हूँ। अराउंड मैंने इसमें 1/2 बाउल पानी इस्तेमाल किया है। 1 कटोरी बेसन था, 1/2 कटोरी मैंने पानी इस्तेमाल किया है। अब मैं तेल गर्म होने रख दी हूँ। करते आगे का प्रोसीजर। मैंने एक रोटी लिया है। रोटी लेके मैं इसमें अभी आलू की सब्ज़ी रख रही हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ आलू इस्तेमाल किया। आप चाहो तो सब्जी में बीन्स, गाजर, जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हो। सब्जी हमें भर के डालना है और अच्छे से रखना है। रख के अब मैं इसके ऊपर एक और चपाती रख रही हूँ। रख के मैं इसको अच्छे से प्रेस करूँगी। प्रेस करके मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। आलू की सब्ज़ी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनती है और टी टाइम स्नैक्स के लिए तो ये बढ़िया है। जब आपको कुछ खाने का मन करे, घर में ब्रेड अवेलेबल नहीं हो, बस आप चपाती के साथ बना लो। चपाती तो घर में हमेशा अवेलेबल रहती है। और प्लस ये गेहूं के आटे की रोटियां हैं तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। अब मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। कट करके इसको मैं एक बार और चेक कर रही हूँ। आलू की सब्ज़ी कहीं साइड से निकल तो नहीं रही है। अब ये पीसेस बनके रेडी है। अब मैं बेसन चेक कर रही हूँ। वैसे तो हमारा बैटर बनके रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 स्पून ऑयल। ऑयल डालने से पकौड़े ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ज़्यादा तेल नहीं सोखते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसमें मैं अराउंड 2 पिंच या 1/2 स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। अगर आपको गरम मसाला पसंद है तो आप डालना, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो। मिक्स करके अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। बैटर में फिंगर डाल के देखना। आपके फिंगर में जितना बैटर लगेगा उतना ही बैटर आपके पकोड़े में लगेगा, चाहे वो कोई भी पकोड़ा हो। अब मैंने इसमें डाला है बारीक कटा धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डाल के मैं चेक कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया है। अब पकौड़े डालने से जस्ट पहले हमें इसमें बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा मैं सिर्फ 1 ही पिंच इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर नहीं पसंद करते हो तो मत डालना। वैसे भी पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब मैंने एक रोटी का पीस उठाया, उसको बेसन के बैटर में अच्छे से डिप किया। डिप करके अब मैंने इसको डाला है तेल में। तेल में डाल के अच्छे से ऊपर नीचे पलटते हुए मैं इसको फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने पकोड़े को क्रिस्पीनेस लाने के लिए चावल का आटा इस्तेमाल किया। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप 1 स्पून कॉर्नफ्लोर डालना। अगर वो भी नहीं है तो सिर्फ बेसन से भी ये बहुत अच्छे से बनते हैं। अब पकोड़े बनके रेडी है। मैंने निकाल लिया। अब ऐसे ही मैं बाकी के पकोड़े भी तल के निकाल लूँगी। हमारे बहुत ही टेस्टी यम्मी हेल्दी स्नैक्स बनके रेडी हैं।
आप भी इसे बनाइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।